कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुहार लगाता फिर रहा है। इसके तहत पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पिछले दिनों चीन पहुंचे थे। इस दौरान सामने आए एक वीडियो पर कुरैशी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मीडिया में दिख रहा है कि कुरैशी होटल में शेफ और स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं, कतार में खड़े होटल कर्मी ताली भी बजा रहे हैं और इस वीडियो को लेकर पाकिस्तानी यूजर्स विदेश मंत्री से पूछ रहे हैं कि वो चीन क्या करने के लिए गए हैं और क्या यही उनका स्वागत है। तो पाकिस्तान को खुद अपना स्थान पता होना चाहिए, दुनिया में उनकी किस तरह की पोजीशन है, कैसी उनकी साख है, ये उनको खुद पता होनी चाहिए। और इन तस्वीरों से फिर सामने आ रहा है कि खाली होटल स्टाफ और लोग मौजूद हैं वहां पर, चीन के दौरे पर पहुंचे थे वो, और उन्हीं की कंट्री के लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि यह इतना ही स्वागत पाकिस्तान के इस नेता का हो रहा है और आखिर वो वहां गए क्यों थे ये भी बताएं। तो पाकिस्तान भले दावा कर रहा हो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा, लेकिन उसे फिर पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की कितनी सुनी जाती है और कश्मीर जो भारत का आंतरिक मुद्दा है उसे कितना तवज्जो दिया जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे।